कि लड़ाई जीतेंगे, साथ रहें तो जीतेंगे। और अगर हम चंद सीटों पर, जिसका मैंने हवाला दिया, जिसकी जानकारी आपको कल तक मिल जाएगी, लड़े तब भी हम उस विकल्प का हिस्सा बनेंगे जो विकल्प बीजेपी के खिलाफ का विकल्प है, क्योंकि हमारी राजनीति स्पष्ट है। मैंने कहा ना, एक विधायक टूटा नहीं भाई, इनको कम प्रलोभन दिया गया, हमारे नेताओं को कम प्रलोभन दिया गया, यहां बैठे हुए लोग हैं प्रलोभन के आगे नहीं झुके। तो ये जो प्रतिबद्धता है, ये हमारे राजनीति की विरासत है। अभी हम बार बार ये बात कहते हैं कि हम नाव को डूबने नहीं देंगे, आखिरी तक कोशिश। नेता प्रतिपक्ष यहां बैठे हुए हैं, एक एक चीज मॉनिटर कर रहे हैं, एक एक संभावना तलाश रहे हैं। हम कहीं से छत विचत, मुख्यमंत्री तो हेमंत जी को ही बनना है, और चूंकि उनको मुख्यमंत्री बनना है, एक व्यापक जनाधार की पार्टी को आपको उसके लिए जो संवेदनशील नजरिया चाहिए, चाहे जेएमएम के हमारे साथी हो या कांग्रेस के हमारे साथी हो, उस संवेदनशील नजरिए से चीजों को देखिए। हम जैसा मैंने पहले कहा कि 60 से 62 सीट पे आपकी खुल के मदद करेंगे, हम ये नहीं कि पूरा चादर फैला रहे हैं 81 पे, लेकिन जहां जहां हमारे कैंडिडेट रनर अप रहे 14-19, और जहां हाल के दिनों में एक अट्रैक्शन हुआ, एक आकर्षण बढ़ा है, वहां हम आएंगे। और मैं समझता हूं कि आज की रात तक तमाम हमलों के बीच के भी फैसले होंगे, क्योंकि नॉमिनेशन का प्रोसेस है, तो अब एक दिन से ज़्यादा तो इंतजार नहीं होगा, लेकिन कल हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो, आप सबके मोबाइल में सीट वाइज डिटेल हम दे देंगे, किसी भी विकल्प के अनुरूप उसके आलोक में।